जी हाँ, दिल दहला देने वाला, सबको चौंका देने वाला आज एक ऐसा खतरनाक इंटरव्यू हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कटारा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस समय मौजूद है विष्णु चौधरी, जिनके कारनामे इतने महान हैं और इनका नाम भी महान है। वैसे ही कारनामे महान है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जी हाँ, पांच पांच एग्जाम इन्होंने हाल ही में केवल 2023 के अंदर क्वालिफाई किए हैं। काफी चौंका देने वाला ये इंटरव्यू रहने वाला है। सारे लोग इस इंटरव्यू को अंत तक देखिएगा और अपना बेशकीमती एक कमेंट भी करिएगा। जो बच्चे इन्हें पहचानते हैं और जो क्लासमेट के साथ पढ़े हैं वो भी कमेंट करिएगा, और काफी मोटिवेशनल रहने वाला है ये इंटरव्यू। हर स्टूडेंट इसको देखेगा, चाहे वो तैयारी किसी की भी कर रहा हो। जी विष्णु जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विष्णु चौधरी है, मैं चंडोस के पास नवापुर गाँव से हूँ। जी विष्णु जी, आपका जो गाँव है यहाँ से अलीगढ़ यानी कटारा डिफेंस एकेडमी से लगभग कितनी दूरी पर है? सर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूरी से आते हैं विष्णु चौधरी, तो आप ऐसा सुन पा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ आकर। तो आप वहाँ से डेली अप डाउन किया करते थे या यहाँ रहते थे? सर कुछ दिन तो अप डाउन किया था, कुछ दिन रहा भी मैं। चले बहुत ही बढ़िया, तो इनका दोनों तरह से रहा कि कुछ दिन उन्होंने अप डाउन भी किया और कुछ दिन यहाँ रहे भी। तो फाइनली विष्णु चौधरी जी, हम जानना चाहेंगे आपका किस किस एग्जाम, कौन कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, दर्शकों को एक बार डिटेल में बताएं। सर सबसे पहले तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट की थी, तो दो बार मैं फेल भी हुआ। कुछ फ्रेंड ने मुझे बोला कि फोर्स को छोड़ दे, तो मैंने मतलब डिमोटिवेशन भी हुआ, मैं आपके पास भी आया, आपने मुझको मतलब गाइडलाइंस दी कि नहीं तैयारी स्टार्ट की जाए, तो मैं अपने रास्ता भटका भी। मैंने नॉन टेक्निकल की तरफ तैयारी भी की और टेक्निकल भी की, दोनों के बाद अब 2023 में मेरे 5 सिलेक्शन हुए हैं, वो भी कोस्ट गार्ड का ओआरजीडी वाला और नेवी एसएसआर, स्टेनोग्राफर और इलाहाबाद हाईकोर्ट और एयरफोर्स एक्सरोप में 58 रैंक है। क्या बात है, क्या बात है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं एकदम हैरान कर देती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो बच्चों के सपने होते हैं, और विष्णु जी ने कुछ ही समय में 5-5 एग्जाम निकाल दिए। क्या आपको लगता है ये अगर उसी समय रुक जाते जब इनको दो बार लगातार निराशा मिली, क्योंकि जब हम कभी संघर्ष करते हैं तो मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन सही और रियल वॉरियर वही होते हैं जो उन मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। विष्णु जी ने वैसा ही किया, हर समय बहुत बार बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है, जैसा कि इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, दो दो एग्जाम दिए और वहां पर इन्हें निराशा प्राप्त हुई, लेकिन ये निराश होकर मेरे पास भी आए थे। तो मेरी एक ही सलाह थी छोटी सी कि क्या आपको लगता है आप जब 75% डिस्टेंस तय कर चुके हो तो क्या पीछे लौटने में फायदा होगा, उससे बेहतर है कि 25% और जोड़कर आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ज्यादातर निराशा जब ही प्राप्त होती है जब आप मंजिल के अधिक समीप होते हैं। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल मंजिल के पास जाकर कभी निर्णय नहीं बदलना चाहिए, ना पीछे लौटना चाहिए ना अन्य दिशा में जाना चाहिए। मैंने कहा इसी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा पेशेंस और रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, और देखिए कितना बड़ा लाजवाब कारनामा इन्होंने किया, यानी 5-5 एग्जाम किसी भी एक स्टूडेंट के लिए ये अपने आप में बिग अचीवमेंट है, और इनकी तैयारी ने, इनके इस परिणाम ने, 5-5 एग्जाम क्लियर करने वाली खबर ने अपने पूरे शहर में, इनके गांव में, और अपना तो इन्होंने नाम रोशन किया ही किया है, अपना माँ बाप का और अपने गुरुओं का, साथ साथ शहर में भी इनकी बहुत चर्चा है, क्योंकि 5 एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं जो भी स्टूडेंट यहाँ पर विष्णु चौधरी जी को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं ऐसी सीख लीजिए, क्योंकि याद रखें आप कि सक्सेस के लिए बेटा पेशेंस की आवश्यकता होती है, कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। विष्णु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी में क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा था। सर समस्या तो पहली बात तो जब पहले मैं जो गांव से आता था, मतलब आने जाने की समस्या थी कुछ ज्यादा ही। अच्छा अच्छा, बाद में मतलब वो भी हैंडल हो गई, जब यहाँ पे मैं रेंट पे रहने लगा, फिर मतलब आप एक जब यहाँ पे तैयार करने आता था आपकी डाउट के लिए, मतलब डाउट कुछ ज्यादा होते थे, मतलब आपके यहाँ पे वो गार्डियन इतना ठीक ठाक है, जो डाउट मतलब डाउट सेंटर फैकल्टी आपके अलग है वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु जी का मानना है कि जो अकेडमी, अच्छा अकेडमी के जानने से पहले दर्शक लोग एक प्रश्न जानना चाहते हैं, आपने कटारा डिफेंस अकेडमी को ही क्यों चुना,
ऐसा क्या खास लगा आपको? सर कुछ ज्यादा तो मेरे को यूट्यूब वगैरह मतलब वहां से इसी जानकारी मिली, फिर कुछ मतलब दो चार महीने बाद ही मेरे पास वाले गाँव में एक मतलब भैया सेलेक्ट हुए यहाँ से। अच्छा अच्छा, यानी ये इनका और ज्यादा ऑथेंटिक हो गया, प्रमाणित हो गया कि हम सही स्थान पर जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने हमारा प्रमोशन देखा, और जब हमें पता लगता है कि हमारा कोई करीबी सफल हो गया है तो और ज्यादा ऑथेंटिक लगता है कि हाँ हम सही स्थान पर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप सोच लेकर यहाँ आए, क्या वैसा सब कुछ मिला आपको? यस सर। जी हाँ, तो और इन्होंने जो सबसे बड़ा क्रेडिट दिया वो इस बात को दिया कि कटारा डिफेंस एकेडमी में ये सुविधा शुरू से चली आ रही है और हमेशा रहेगी, कि छात्रों को क्लास से अतिरिक्त कोई अगर डाउट बनता है उसके लिए यहाँ पर अलग से टीम बैठती है, डाउट काउंटर बने हुए हैं, उन पर जाके अपनी समस्याओं को आप 1-to-1 टीचर के आमने सामने अच्छे से क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ और आपको कटारा डिफेंस एकेडमी में जैसे क्या क्या बेहतर लगा, और क्या क्या हमारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो छात्रों के लिए मददगार हो सकते हैं? सर सबसे पहले मैं मुखर्जी करने गया था कोचिंग करने के लिए। अच्छा, केडी कैंपस में। वहां मैंने लगभग 1.5 महीने से प्रिपरेशन की जी, मगर वहां में और यहाँ में बहुत डिफरेंस मिल गया। देखो मैं तो वहां पर कोई मतलब क्लास तो चलती थी रेगुलर जी, न तो वहाँ पे मतलब टीम के इतने गार्डियन से कभी कोई क्लास छूट रही है कुछ भी, मगर यहाँ पे मैंने देखा कि डाउट फैकल्टी अलग है और कोई क्लास का मतलब उठने इतना ठीक ठाक, यहाँ पे कोई भी मतलब क्लास का कोई भी वो एक्सेप्शन नहीं था छूटने का, मतलब पढ़ाई के बारे में आप कोचिंग बिल्कुल ठीक है। माफी चाहेंगे आप सभी लोगों से, हमारा ऐसा बिल्कुल ध्येय या विचार नहीं था ये किसी अन्य संस्थान का हम नाम लें, लेकिन विष्णु जी ने अपनी बात जो है वो सच्चाई से पेश की है कि इन ये हमारे यहाँ आने से पहले मुखर्जी नगर गए थे और वहाँ के एक अच्छे नामी गिरामी कोचिंग संस्थान में इन्होंने क्लास की, तो वहाँ और यहाँ पर आके जब इन्होंने देखा तो कुछ इन्हें लगा कि यहाँ बेहतर सपोर्ट मिल पा रहा है और इसलिए इन्होंने फाइनली यहाँ पर चुना। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ की टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी सपोर्टेबल रही, जरा इसको बताएं। सर यहाँ टेस्ट सीरीज और आपकी क्लास में CPB DPB जो मिलती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वही जो मेन कार्ड था वहाँ पे कुछ नहीं, दिल्ली में मतलब टीचर पढ़ाते तो ठीक थे मगर ये सपोर्ट नहीं थी यहाँ पे। जी जी जी, स्टूडेंट के लिए ये मेन है, छात्रों के लिए एक एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। पढ़ा रहे वो एक अच्छी बात है कि टीचर तो देखिए हर जगह ही एक से एक अच्छे पढ़े हुए हैं, इस बात में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, टीचर हर जगह अच्छे हैं। एडिशनल और एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है हम क्या दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत सारे डाउट होते हैं छात्रों के। सर किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, हर चीज का हमने बच्चों को जवाब दिया है, बहुत शालीनता से तैयारी कराई है और उसका परिणाम आप देख पा रहे हैं कि आज विष्णु जी ने हमारा नाम तो रोशन किया ही किया है, मतलब इनका पूरा गांव की चर्चा है, क्योंकि 5 एग्जाम में सिलेक्शन ले पाना अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ है। तो फाइनली विष्णु जी आप किस एग्जाम में मतलब किस जॉब में जाना चाह रहे हैं, क्या चुना है आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एयरफोर्स ही होता, मतलब मेरा जो जाना था मगर लास्ट में मतलब डिस्टर्ब हुआ मुझे, मैं तो एग्जाम क्लियर तो हो गए मगर जाऊंगा लास्ट में एयरफोर्स में सर। और मैं एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया दोस्तों, नॉर्मली सिलेक्शन नहीं हुआ है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 58 रैंक हासिल की है। जी हाँ, आप गौर से सुनना, 58 यानी 58वीं रैंक है भाई की, यानी अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बहुत ही बड़ी बात है 58 रैंक लाना और अपने आप को फाइनली वहां पर सिक्योर किया है। अब ये फाइनली इनका जो ड्रीम था एयरफोर्स एक्स ग्रुप उसमें ये सफल हुए हैं। सभी छात्रों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी चैलेंज आ रहे हैं तो आप उनसे भागिए मत, उनसे लड़िए, और याद रहे आपको कि एक आध बार हो सकता है निराशा भी मिले, पर उसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है आप तैयारी छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, जी नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको समय लगेगा, क्योंकि बेटा अगर लक्ष्य दमदार है तो समय तो लगता है और संघर्ष में समस्या भी आती है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अपनी समस्याओं की वजह से भाग जाए, जी नहीं, उनसे लड़ना सीखिए, भिड़ना सीखिए और विष्णु की तरह ऐसे कारनामे करिए। विष्णु जी आपसे मेरा एक अंतिम और आखिरी प्रश्न ये है कि ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपनी तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं, एक बार की दो बार की कहीं ना कहीं बार बार निराशा मिल जाती है, ऐसे बच्चों को आपका क्या संदेश है, क्योंकि वो बार बार तैयारी करते समय डीमोटिवेट भी होते हैं और परिवार वालों से पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज मैंने फेस की है, मगर सर कुछ बच्चे जो होते हैं 2 या 3 बार फेल होने के बाद अपना या तो रास्ता बदल लेते हैं या डिप्रेशन में होकर मतलब डिमोटाइजेशन होकर बैठे रहते हैं घर पर, ये उनके लिए गलत बात है सर। अब या कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कि घर से पैसे नहीं मांग सकते,
घर वाले देते नहीं है, देते सबके घर वाले, कुछ मांग नहीं सकते अपनी ओर से। तो जब आपको मान लो जब हार मिली, माना कि आपने जब कोशिश की थी, पहली बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, फिर बाद में आपने अपनी स्टडी को कैसे जारी रखा और कैसे ये कारनामा किया? सर मेरा खुद मतलब घर वालों से मैं नेक्स्ट कोचिंग के लिए पैसे नहीं लेने का खुद मन नहीं था मेरा का कि मैं पैसे लूं। मैंने फिर आपके मतलब कुछ कम रुपए में ऑनलाइन बैच भी हुए थे यहाँ पे, ऑनलाइन बैच लिए, फिर मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की। यहाँ पर आते तो देखा आपने, विष्णु चौधरी जी ने हार नहीं मानी। और ये समस्या अधिकांशतर बच्चों के सामने आती है कि सर एक या दो बार जब हमें हार निराशा मिल जाती है तो कई बार डिमोटिवेशन भी आता है और हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी नहीं, जैसा कि विष्णु ने किया आप भी वैसा ही कर सकते हैं। तैयारी को छोड़ना नहीं था, जारी रखना था, और इन्होंने अपने परिवार वालों से दूर रहकर ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी को इतना पावरफुल बना दिया। दिन रात की मेहनत, और इस चीज का गवाह मैं हूं क्योंकि ये संस्थान के पास में ही एक लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करते मैंने कई बार नाइट में भी देखा, दिन में भी देखा। तो ये विष्णु का वास्तविकता का एक खतरनाक स्ट्रगल है, आप भी इससे सीख लें। निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल प्रयास करना है। अपनी तैयारी को जारी रखा और पांच पांच, सुन पा रहे हो, पांच पांच जॉब में अभी अभी इन्होंने प्राप्त किए, अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा लगा विष्णु जी आपसे ये सब जानकर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सभी को नमस्कार, जय हिंद।